धुरकी में हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषा को पूरे झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निकाला जुलूस तथा किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम वीडियो को भी सौंपा मांग पत्र। धुरकी प्रखंड से संवाददाता कैफ अंसारी की रिपोर्ट। धुरकी मुख्यालय में शनिवार को ग्रामीण ने हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषा को पूरे झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला और प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया। जुलूस चांदनी चौक से प्रारंभ होकर मेन रोड होते हुए प्रखंड कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान लोगों ने झारखंड में स्थानीय भाषा घोषित करने, हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करो, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो व अन्य नारे भी लगा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय नियुक्तियों के लिए स्वीकृत स्थानीय भाषा की सूची में स्थान नहीं दिए जाने से यहाँ के बच्चे JPSC और JSSC की परीक्षाओं को कमिट नहीं कर पाएंगे, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस क्षेत्र के लोग को अपने अधिकार से वंचित किया गया है। यदि हमारी मांगे यथाशीघ्र पूरी नहीं होती है तो इस क्षेत्र के लोग को किसी भी हद तक आंदोलन करने का बाध्य होगा। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण सुनीता कुमारी सहित अन्य लोग ने राज्यपाल के नाम वीडियो सत्यम कुमार को मांग पत्र सौंपा। मौके पर अंजलि देवी त्रिवेणी कोरवा, शैलेश यादव, महतम आलम, रसीला देवी, खत्यार अंसारी, सुरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। सौंपे किस लिए सौंपे, क्या चीज, किस चीज का मांग पत्र? भाषा की मांग पत्र। और हमारी भाषा मांगी भोजपुरी हिंदी। अच्छा, क्या नाम है? सरकार से मांग की, सरकार को मतलब ये भाषा को जिला तक दर्जा दी गई है और हमारा मांग है कि सरकार भी इस भाषा को दर्जा दे। क्या नाम है आपका?